हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी महिंद्रा TEV 300 की जो की का सेल है, बैटरी है, वो कैसे चेंज करते हैं। मेरे पास दो रिमोट है, ये रिमोट मेरा अच्छे से रेस्पॉन्ड कर रहा है और मैं इससे अपनी गाड़ी खोल पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं लाइट भी जल रही है, तो मैं दबाता हूँ। हालाँकि लाइट इस वाले में भी जलती है, लेकिन ये क्या है, तब मैं गाड़ी मुझे बहुत बार प्रेस करना पड़ता है, तब जाके वो गाड़ी लॉक या अनलॉक होती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, कैसे इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले आप जैसे एक की रिंग है, इसको निकाल लेंगे आप। यहाँ से मैं निकाल चुका हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे बैक साइड में जहाँ पर नंबर लिखा है, वहाँ पर एक स्क्रू है। इसको आपको सिर्फ स्क्रू को खोलना है, मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। तो इस तरीके से इसको खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद आप यहाँ पर इसको ऐसे प्रेस करेंगे, और यहाँ पर जो लाइन है उसके बीच में आप अपना स्क्रू ड्राइवर डालेंगे, उसको खोल लेंगे। खोलने के बाद आप यहाँ से इसको ऐसे निकाल लेंगे आराम से। यहाँ पर ये प्लास्टिक के ग्रूव के अंदर डला हुआ है, देखिए मैंने इसको निकाल लिया है। अब यहाँ पर इसकी बैटरी है, ये जो बैटरी है इसको आप इसको ऐसे करके निकाल लेंगे, और हम देखेंगे अभी बैटरी कौन सी है, क्या कोड है इस बैटरी का। इसका कोड है CR1632। आप ये सेम बैटरी मार्केट से लेके और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बैटरी लगाने के बाद इसको कैसे दोबारा से असेंबल करना है रिमोट को। आप इसको लगाया, उसके बाद आपने इसको पकड़ा और इसको यहाँ से इसको उल्टा करके ये वाला ग्रुप इसमें घुसाया, वो ग्रुप को घुसा के ये हुई फिट। इसके बाद आपने इसको लगा दिया, और अब दोबारा से आपने पीछे स्क्रू लगा दिया। ठीक है, देखिए मैं दोबारा से स्क्रू लगा दिया है, और अब ये रिमोट रेडी है यूज़ होने के लिए, और ये अब अच्छे से रेस्पॉन्ड करेगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।